हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरु जी यूट्यूब चैनल। न्यूजीलैंड वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस सेकंड वनडे इंटरनेशनल जो कि होगा न्यूजीलैंड में, तो उसकी जो मैंने ड्रीम इलेवन टीम आपके लिए बनाई है, तो वो आपको दिखाता हूँ क्या मैंने कॉम्बिनेशन सेट करा है आपके लिए। तो ये मैं सीधा लेकर चलता हूँ और ये मैंने लिया है रिचल प्रीस को अपनी टीम में लिया है। एलिसा हेली को मैंने टीम में नहीं लिया है क्योंकि थोड़ी नीचे बैटिंग करती है, रिचल प्रीस और टॉप ऑर्डर बैट्समैन है तो उनको मैंने लिया है। और अगर हम चलें बैटिंग की तरफ तो मैं मैग लेनिंग को नहीं ले पाया जो कि कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि जो क्रेडिट है 10.5 वो मैं मैनेज नहीं कर पाया। अगर आप मैनेज कर पाते तो आप जरूर उनको टीम में लीजिएगा, अच्छे प्लेयर हैं वो। अलीसा वेलानी को मैंने टीम में लिया है, कैटी मार्टिन को मैंने अपनी टीम में लिया है। लोटन एक ओपन करती हैं तो उनको भी आप ले सकते हैं, एक ऑप्शन है आपके पास। मैंने मूनी को लिया है, लास्ट मैच में 100 उन्होंने बनाई थी तो मैंने उनको लेना सही समझा। और रेचल हाइंस को मैंने अपनी टीम में लिया। तो ये मेरे चार बैट्समैन हैं, परकिन से ऑप्शन हो सकती हैं आपके पास। तो ये मेरे चार बैट्समैन हैं। अगर मैं बॉल ऑलराउंडर की तरह चलूँ तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि एलिसा पेरी, जो कि 2-3 महीने से इंजर्ड चल रही थी, हैमस्ट्रिंग में उनकी प्रॉब्लम थी, वो अब 100% फिट हो चुकी है और ये वाला मैच खेलने वाली है। और मैं आपको एक बात बता दूँ तो ये इनके लगातार आई थिंक 5 50s हैं और 90s का इनका एवरेज चल रहा है पिछले 2014 से देखा जाए तो अच्छी प्लेयर हैं बहुत ज़्यादा। सूजी बेट को मैंने लिया है, कैप्टन है आई थिंक न्यूजीलैंड की। और एमी स्वेटरवेट जो कि 400 लगातार बना चुके हैं, कुमार संगकारा का जो रिकॉर्ड है 400 लगातार बनाने का उनको बराबरी कर चुकी है। और अगर कल 100 बनाती है तो कि पहली ऐसी प्लानट इस प्लानट पर पहली ऐसी प्लेयर बन जाएंगी जो कि 5 लगातार 100 बनाने वाली पहली प्लेयर बन जाएंगी क्रिकेट में। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है अगर वो कल बनाती हैं। तो ये मेरे तीन ऑलराउंडर्स हैं। बॉलिंग की तरफ चले तो ताहू मैंने लिया है जो कि बॉलिंग अच्छी कराने वाली है न्यूजीलैंड की तरफ से। और हडलस्टोन को लिया है बॉलिंग में। मेगन स्कट के साथ आप जा सकते हैं, उनके साथ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मैंने अमांडा वेलिंगटन को टीम में लिया, अच्छी स्पिनर है तो स्पिन कराती है आई थिंक बॉल, तो अच्छी बॉलर हैं अभी तो उनको सही लगेगा मुझे ऐसा लगता है लेना। नेक्स्ट करता हूँ तो कैप्टन मैं अलीसा पेरी को बनाने वाला हूँ और एमी सेदरवेट को मैं वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ। आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं ये बोलूँगा कि 100% यही मेरी जो टीम है आपको उन्हीं की टीम के साथ जाना है या फिर यही टीम जीतेगी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये टीम थोड़ा अच्छा परफॉर्म करके कल के देगी। तो प्रीव्यू दिखाता हूँ, कैप्टन और वाइस कैप्टन आप देख सकते हैं, पूरी 11 आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर आपने स्पोर्ट्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपको भी और मुझे भी और टीमें बनाने का प्रोत्साहन मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।